हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एजुकेशन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास टेंथ साइंस का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो लेक्चर्स अपलोड होंगे वो वीक में वन लेक्चर अपलोड होंगे, यानी कि वीकली बेसिस पे अपलोड होंगे, डेली बेसिस पे नहीं होंगे। ओके बट मैं कोशिश करूंगी कि वन वीक में मैं दो लेक्चर्स अपलोड कर सकूं। ओके और इसके साथ साथ हर लेक्चर के लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आने वाली हूं। होमवर्क रहेगा आपके लिए, उसे आपको करना है रेगुलर बेसिस पे, एंड नेक्स्ट लेक्चर में उसके आपको आंसर मिलेंगे, तो आप लोग उससे मैच कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस लेक्चर में हम लोगों को क्या क्या कवर अप करना है, क्या क्या लर्न करना है। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस को समझने से पहले हम समझेंगे मैटर में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, अपने डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, राइट। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि हम उन्हें ऑब्जर्व नहीं करते हैं, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा होता है। इतना हम उससे इतना यूज टू हो जाते हैं कि हम उस पर गौर ही नहीं करते हैं, है ना। तो पहले हम उस पर बात करेंगे, देन वी विल कम टू केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, उस पर बात करेंगे। देन टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, और हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं ये हम लोग समझेंगे। देन वी विल कम टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो कि फोर टाइप्स होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और एक लास्ट रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा। इसके साथ साथ हम लोग जिस टॉपिक के साथ साथ जो भी एनसीईआरटी में बुक में एक्टिविटीज दी हुई होंगी उन्हें भी हम लोग कवर अप करते चलेंगे, ठीक है। और साथ साथ जो भी क्वेश्चंस, पॉसिबल क्वेश्चंस बनने वाले होंगे, हम लोग उसे भी डिस्कस करेंगे। आप लोगों को क्या करना है, लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखना है, इसमें से जो भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा उसे नोट डाउन करना है, एंड अभी रफली बेसिस पे आपको नोट डाउन करना है। और जब पूरा लेक्चर, ये एक चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आपको एक बार सेल्फ स्टडी करनी है, एंड देन एक फाइनल नोट्स आप लोगों को प्रिपेयर करना है। और नोट्स किस तरह से बनाने हैं वो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं। प्रिपरेशन टिप्स मैंने बताए हैं, 5 प्रिपरेशन टिप्स, तो उसे आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग अपने चारों तरफ बहुत सारी ऐसी चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहते हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें कुछ ना कुछ हो रहा होता है। अब जैसे कि आप स्कूल से बहुत थके हुए आते हो, अभी तो बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत धूप हो रही है ना, तो आप लोग आते हैं स्कूल से, आपने क्या किया कि एक बॉटल फ्रिज में से निकाली और उसे टेबल पर रख दिया और चले गए ड्रेस चेंज करने के लिए। फिर कुछ समय के बाद जब आप आते हो तो देखते हो कि अरे ये तो बर्फ़ जो है वो तो पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी होती है। तो ये भी एक तरह का चेंज है ना, पहले ये आइस क्यूब्स था और अब ये वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो ये भी एक छोटा सा चेंज है। इसी तरह से आपकी हेयर ग्रोथ हो रही होती है हमेशा, तो आप उसकी कटिंग करवा लेते हो, तो पहले तो हेयर लॉन्ग हेयर्स थे, अब छोटे छोटे हेयर्स हो गए, है ना, तो ये भी एक तरह का चेंज है। उसी तरह से आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी आयरन से बनी हुई कोई भी चीज़, नेल हो या फिर कोई भी तवा हो, पैन हो, जो भी होता है, उसे जब हम ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, यानी कि नमी वाली जगह पे अगर हम उसे छोड़ देते हैं, तो कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद हम क्या देखते हैं कि उस पर ब्राउनिश कलर की एक लेयर बैठ जाती है, एक लेयर जम जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं जंग, यानी कि आयरन पे, लोहे के बर्तन पे, लोहे की चीज़ों पे जंग लगना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक तरह का चेंज हुआ, है ना। वैसे ही ठंड के दिनों में लोग लकड़ियों को जला करके उसे तापते हैं, आग तापते हैं, है ना, या फिर हम खाना बनाते हैं तो लकड़ियाँ जला करके खाना बनाते हैं। तो इस तरह से जब लकड़ी, ये एक लकड़ी है, जब हमने इसे जलाया तो ये लकड़ी, इससे क्या बन जाता है, राख बन जाता है, ऐश बन जाता है ना, और इसका कंबशन हो जाता है। या फिर कभी कभी इससे, इस लकड़ी से हमें कोल प्राप्त होता है, यह लकड़ी कोल में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर भी एक चेंज हो रहा है ना। तो इस तरह से बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अब फर्स्ट कंडीशन में जो हमने देखा, ये जो आइस क्यूब्स है, इससे जो वाटर का कन्वर्जन हुआ, तो यहाँ पे पहली कंडीशन जो थी ये आइस क्यूब्स की, इसमें ये वाटर था, और जब इसने अपना स्टेट चेंज किया तब भी ये वाटर ही है, यानी कि इसकी जो मेन आइडेंटिटी है वो नहीं चेंज हुई, सिर्फ और सिर्फ इसका फिजिकल नेचर चेंज हुआ, इसका सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज हुआ, है ना। पहले ये सॉलिड था
और अब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि इसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वाटर का वो चेंज नहीं हुआ। इसी तरह से सेकंड केस हमने देखा कि हेयर कट हुआ, तो सिर्फ और सिर्फ हेयर का जो साइज है वो उस साइज में कन्वर्जन हुआ है, साइज में चेंज आया है। तो ये भी एक तरह की फिजिकल प्रॉपर्टी है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि मैटर की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जिसमें शेप कोई भी किसी भी सब्सटेंस का जब शेप साइज एंड स्टेट ये होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, जब इसमें चेंजेस आ रहा होता है तो एक तरह का ये चेंज होता है जब किसी भी सब्सटेंस की शेप साइज और स्टेट में चेंजेस आता है, जैसे कि इन दोनों कंडीशन में हमने देखा। अब इन दोनों कंडीशन में जब हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले ये आयरन था, अब आयरन से एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया जो कि है जंग यानी कि रस्ट, है ना। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस चेंज में क्या हो रहा है कि एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है और पहले ये जो आयरन था वो अब आयरन उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है रस्ट के फॉर्म में। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल में हमने देखा कि ये लकड़ी थी, ये वुड था, जब हमने इसे जलाया तो एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है ऐश के फॉर्म में, और साथ ही साथ इसमें से जो स्मोक निकलता है, इसमें से जो धुआं निकलता है उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो गैस भी रिलीज हो रही है और एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो इन दोनों कंडीशन में कुछ ना कुछ नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ ही साथ मैटर अपनी फिजिकल मैटर जो है वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर दे रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दो तरह के चेंजेस होते हैं, एक होता है जिसमें शेप साइज और स्टेट चेंज हो रहा है सिर्फ और सिर्फ, और एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रही है। ये जो रस्ट है इसकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट होती है आयरन की कंपोजिशन से, है ना। और इसी तरह से ये जो वुड है वो कुछ अलग कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ होता है, लेकिन जब ये इससे ऐश का फॉर्मेशन हो जाता है, जब इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो केमिकल कंपोजिशन है वो डिफरेंट है, ऐश का जो केमिकल कंपोजिशन है वो डिफरेंट है, ओके। तो जब किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, यानी कि शेप साइज या स्टेट चेंज हो रहा होता है, तो इस तरह के चेंजेस को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। और जब किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन भी चेंज हो रही होती है, उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है पूरी तरह से, और कुछ ना कुछ नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन भी होता है, तो इस तरह के चेंजेस को हम कहते हैं केमिकल चेंज। आई होप यू गेट इट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, मोमबत्ती का जलना। जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो क्या होता है कि इस मोमबत्ती ये जो बर्न होती है, एक्चुअली में ये बर्न कैसे होती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एयर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, उस ऑक्सीजन के प्रेजेंस की वजह से ये कैंडल जल पाती है, इसमें बर्निंग होता है ना। ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और ये जल पाता है, और जब ये जल रहा होता है तो इसके साथ साथ कुछ मोम जो वैक्स है वो भी पिघल रही होती है, वो पिघल पिघल करके कुछ वैक्स जो है वो पिघल करके बाहर गिर रही होती है, और कुछ वैक्स जो होती हैं इसके हीट की वजह से वो इस लॉ के साथ साथ भी जल रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दो केसेस हो रहे हैं, एक हो रहा है क्या कि वैक्स का मेल्ट होना और एक वैक्स का बर्न होना, कैंडल का बर्न होना। तो जब ये वैक्स बाहर की तरफ जो पिघल पिघल करके गिर रही है, ये इसमें क्या हो रहा है, ये पहले थी सॉलिड स्टेट में, और जब ये पिघल करके बाहर आ जाती है तो लिक्विड स्टेट में आ जाती है, तो यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है, और फिर ये वैक्स कुछ देर के बाद फिर से ये सॉलिड स्टेट में आ जाती है, जम जाती है, है ना। जब ये पिघलती है तो लिक्विड स्टेट में होती है, और कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि ये लिक्विड स्टेट से फिर से ये सॉलिड बन जाती है, फिर से ये सारी वैक्स जम जाती है, यानी कि यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस भी हो रहा है। मोमबत्ती का स्टेट चेंज हुआ, वैक्स का स्टेट चेंज हुआ, और फिर वो रिवर्स बैक भी हो जाती है, उसका स्टेट फिर से रिवर्स बैक भी हो जाता है। दूसरा केस यहाँ पे ये है, कैंडल जब जल रही होती है तो उसके साथ साथ वैक्स चल रही होती है, वैक्स भी चल रही होती है, और ये जो वैक्स जल चुकी होती है वो फिर रिटर्न नहीं आती है, यानी कि जब पूरी मोमबत्ती जल जाती है तो जितनी मोमबत्ती अभी है इसमें, क्या उतनी सारी की सारी मोमबत्ती हमें मिल जाती है, सारा का सारा मोम हमें वापस मिल जाता है क्या जलने के बाद? नहीं होता है ना ऐसा। बहुत सारी वैक्स जो है वो इस कंबशन में जल जाती है, कुछ वैक्स हमें बाद में
प्राप्त होती है, यानी कि कुछ वैक्स का इसमें कंबशन भी हो रहा है ना। तो ये जो जल रही है वैक्स, वो आखिर कहाँ चली जाती है, कहाँ गायब हो जाती है? तो एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो वैक्स इस लौ के साथ जल रही है, वो एक अदर सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर देती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, है ना। जब ये मोमबत्ती जल रही होती है, अगर आप इसके ऊपर एक ग्लास डाल दोगे तो आपको कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स कि जब मोमबत्ती जलती है तो इसमें से वाष्प भी निकलता है। ये मोमबत्ती, ये जो मोम पिघल रहा है इस कंबशन के साथ, इस लौ के साथ जो मोम जल रहा है, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बना लेता है। इसलिए वो मोम फिर से हम उसे रिवर्स बैक नहीं ले सकते, उसे हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो एक कंडीशन हुई जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है और ये इरिवर्सिबल है, और जब ये दूसरी कंडीशन, इसी मोमबत्ती के जलने में दूसरी कंडीशन है क्या, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। तो ये जो मोमबत्ती जल रही है, वैक्स जो पिघल रहा है, वो इसमें क्या होता है कि ये रिवर्सिबल होती है। ये जो प्रोसेस होती है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वो रिवर्सिबल होती है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल चेंज हुआ और मेल्टिंग ऑफ वैक्स फिजिकल चेंज हुआ, ठीक है। तो ओवरऑल केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस जिसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है उसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज, यानी कि फिजिकल चेंजेस में सब्सटेंस की केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होती है, सब्सटेंस की आइडेंटिटी नहीं बदलती है, ओके। फिजिकल चेंजेस आर जनरली रिवर्सिबल, जैसा कि आपने देखा, जब हम सॉलिड वाटर आइस क्यूब को जब हम थोड़ी देर छोड़ देते हैं तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर इस लिक्विड को हम फ्रीज में डाल देते हैं तो फिर से वो आइस बन जाता है, तो ये रिवर्सिबल है। लेकिन केमिकल चेंजेस जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है, जैसे कि जो मोम जल गई वो फिर वापस हम उसे नहीं ला सकते हैं, उससे नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर हम उसे वापस से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो केमिकल चेंजेस में केमिकल कॉम्पोजिशन भी चेंज होती है अलोंग विद अ चेंजेस इन इट्स शेप साइज एंड स्टेट। शेप साइज और स्टेट भी चेंज होता है, साथ ही साथ केमिकल कॉम्पोजिशन भी चेंज होता है, ओके। थर्ड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फिजिकल चेंजेस में कोई भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज होता है या फिर शेप चेंज होता है या साइज चेंज होता है, कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन केमिकल चेंजेस में वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि अभी आपने देखा बर्निंग ऑफ कैंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन हो रहा है और साथ साथ कुछ वाटर वेपर भी बन रहे हैं, ओके। तो इस तरह से फिजिकल चेंजेस के क्या एग्जांपल हो गए, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, कलरिंग अ पेपर। अब जैसे कि एक पेपर है, उस पर आप लिख रहे थे और आपसे गलती से आपके पेन की पूरी इंक उस पर गिर जाती है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो पहले भी वो पेपर ही था और अभी भी वो पेपर ही है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसका कलर चेंज हुआ है। कलर क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का, ठीक है। बट केमिकल चेंजेस में फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होती है। केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होने का मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होता है, ओके, और नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। ये तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो केमिकल चेंजेस का एग्जांपल हो जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना। सेकंड एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल के बर्न होने से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। एंड कंबशन ऑफ कोल, कोल के कंबशन से क्या होता है, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऐश हमें न्यू सब्सटेंस के रूप में मिलते हैं। तो ये थे दो चेंजेस, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। अब जब कभी भी केमिकल चेंजेस हो रहा होता है तो हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना। जैसे कि अभी आपने देखा कि जब मोमबत्ती जल रही थी तो इसके साथ जो वैक्स पिघल रही है वो साथ साथ जल रही है, और इससे इस मोम के जलने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो जब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जिसमें अब देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है कि ये जो मोमबत्ती जल रही है इससे इस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे हो पा रहा है, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही हैं, एटमॉस्फेरिक एयर के कॉन्टैक्ट में आती हैं और जलती हैं। जब तक कि जब आप इसको किसी ग्लास से ढक दोगे तो ये तो बर्न ही नहीं करेगा, क्योंकि इसके कांटेक्ट में कोई अदर सब्सटेंस आया ही नहीं, है ना।
तो ये जरूरी है कि कोई दो सब्सटेंस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए, सबसे पहली कंडीशन, ठीक है। और जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उनके बीच एक रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन के रिजल्ट में एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। दो सब्सटेंस आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं और नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, इस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अ प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस आर ब्रॉट इनटू कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड प्रोड्यूस वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है केमिकल रिएक्शन का, कि सोडियम है, वो सोडियम क्लोरीन से जब रिएक्ट करता है तो एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, दैट इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोरीन के कॉन्टैक्ट में आया और नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया जो कि है सोडियम क्लोराइड। तो इस सोडियम की प्रॉपर्टी अलग थी, क्लोरीन की प्रॉपर्टी अलग थी, और नए सब्सटेंस का जो फॉर्मेशन हुआ सोडियम क्लोराइड, इसकी भी केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, ठीक है। तो इस तरह के चेंजेस को, जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और जब इसी केमिकल रिएक्शन को हम सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ओके, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ये रिएक्शन है, सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन एंड मेक्स सोडियम क्लोराइड। जब हम इसे सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबॉलिक वे यानी कि इसे जब हम इसके फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इसके वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, तब हम उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे कि ये रिएक्शन है सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन, तो हम इसे लिखेंगे सोडियम प्लस क्लोरीन, ये दोनों रिएक्ट करके क्या सब्सटेंस बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो डैश देकर के हम लिख देंगे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन बना, ये जो इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन को कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। ओके, सो केमिकल रिएक्शन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं और नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, इस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। और जब इस केमिकल रिएक्शन को हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, उस केमिकल रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं उसे रिएक्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट कहा जाता है। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंस को रिएक्टेंट कहते हैं, और केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग या केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में जो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो दो रिएक्टेंट एक आपस में रिएक्ट करते हैं और नए सब्सटेंस का जो फॉर्मेशन करते हैं उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो है वो है प्रोडक्ट, और सोडियम एंड क्लोराइड आर रिएक्टेंट्स। ओके, सो हाउ टू डिफाइन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स द सब्सटेंसेस दैट आर इनिशियली इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जो कि केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उस सब्सटेंस को रिएक्टेंट कहा जाता है। एंड द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। नए सब्सटेंस जो बनते हैं केमिकल रिएक्शन में, जो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, उस नए सब्सटेंस को प्रोडक्ट कहा जाता है, ठीक है। रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, और अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट हैं तो उनके बीच में हम प्लस साइन देते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा सोडियम था और क्लोरीन, तो इन दोनों के को हम सेपरेट करते हैं प्लस साइन से। इसी तरह से प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड में लिखा जाता है, राइट साइड में सोडियम क्लोराइड, एंड अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो हम इसे प्लस साइन से सेपरेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो हमें समझ में आ गया कि ये क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है। जो भी केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहे हैं उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट, और केमिकल रिएक्शन में जो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। अब इन दोनों के बीच में आप एक एरो देख रहे हो, ये एरो ये बताता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है, ये रिएक्शन की डायरेक्शन को बताता है, यानी कि इस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है। सोडियम और क्लोरीन दोनों आपस में रिएक्ट करके नया सब्सटेंस बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। अगर हम इस एरो को इस डायरेक्शन में बताते हैं तो इसका मतलब होता है कि रिएक्शन इस डायरेक्शन में हो रही है। ओके, सो एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ये हमेशा
प्रोडक्ट की डायरेक्शन में, ये जो एरो का जो हेड है इसे हेड कहा जाता है, तो एरो का जो हेड है वो हमेशा प्रोडक्ट की डायरेक्शन में होता है और ये रिएक्शन की डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, अभी हमने देखा कि दो तरह के चेंजेस होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंजेस और एक होता है केमिकल चेंजेस। जब भी केमिकल चेंजेस हो रहा होता है तो वहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, यानी कि नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि कैंडल बर्न हो रही थी तो उससे हमें नए सब्सटेंस प्राप्त हुए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि यहाँ पे भी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब केमिकल हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इससे ऑब्जर्व करने के लिए आइए कुछ पहले एक्टिविटीज को देख लेते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है कि एक मैग्नीशियम रिबन लेना है 3-4 सेंटीमीटर का और उसे सबसे पहले सैंड पेपर से रब कर लेना है। व्हाई इट इज नीडेड, ये रब करने के लिए क्यों कहा जा रहा है सैंड पेपर से? तो एक्चुअली में मैग्नीशियम रिबन जो होते हैं, मैग्नीशियम मेटल जो होता है, ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है। मैग्नीशियम जो है वो बहुत ही रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। ये एटमॉस्फेरिक एयर से बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है, बहुत जल्दी कंबाइन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जब एयर के कांटेक्ट में रखा हुआ होता है तो ये अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ठीक है, मैग्नीशियम है, ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, तो ये एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है और नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसके ऊपर इसकी जो लेयर होती है, मान लेते हैं कि ये मैग्नीशियम है, तो इसके ऊपर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, परत जमी हुई होती है। इसी को, इस परत को, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करने के लिए हमें ज़रूरी होता है कि जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को यूज़ करें, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करें, तो उसे सबसे पहले हम सैंड पेपर से क्लीन कर लें, ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो, कोई भी डैमेजिंग ना हो, कोई भी डेंजरस थिंग नहीं हो एक्सपेरिमेंट में। ओके, तो ये ज़रूरी होता है। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टंग्स, बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द एश सो फॉर्म्ड इन अ वाच ग्लास एज शोन इन फिगर 1.1। एक वाच ग्लास यहाँ पे रखना है और इसे बर्न करना है, टंग से पकड़ करके इसे बर्न करना है, और इसके बर्न होने से जो राख प्राप्त होती है, जो ऐश प्राप्त होता है, उसे कलेक्ट करना है इस वॉच ग्लास में। ओके, बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। इसे जब भी हम बर्न करते हैं, जब भी हम इसे बर्न करेंगे तो हम अपनी आंखों से दूर रखेंगे। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे ही हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, ये बहुत ही चकाचौंध रोशनी वाली एकदम डैजलिंग लाइट के साथ ये बर्न होती है, बिल्कुल डैजलिंग फ्लेम के साथ ये बर्न होती है, जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल होती है, वेरी हार्मफुल लाइट होती है। ये जो लाइट होती है ना, इसमें से अल्ट्रा वायलेट रेज निकल रही होती है, जिससे हमारी आंखें जो हैं वो डैमेज हो सकती है। तो इसलिए जब भी हम इसे बर्न करेंगे मैग्नीशियम रिबन को, तो इसे हम जितना दूर हो सके हम अपनी आंखों से दूर रख करके बर्न करेंगे, या फिर हम सनग्लासेस का यूज करते हैं। ओके, तो इस एक्टिविटी से हमें क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी हम इसे इस मैग्नीशियम रिबन को जैसे ही हमने बर्न किया, ये एक डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है। और दूसरी चीज हमने क्या ऑब्जर्व की कि जब ये जलता है तो इससे हमें एक ऐश प्राप्त होता है, वाइट कलर का पाउडर प्राप्त होता है। मैग्नीशियम रिबन चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर, दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इससे हमें दो ऑब्जर्वेशन हमने इससे प्राप्त किया, एक कि ये जब भी जलता है तो डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलता है, और इससे हमें क्या प्राप्त होता है, एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, एक नए सब्सटेंस प्राप्त होते हैं, प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये थी एक्टिविटी, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नीशियम रिबन था, वो जल करके नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दैट मींस कि यहाँ पे एक कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन तो हो रहा है। सबसे पहले बात कि ये मैग्नीशियम रिबन जल कैसे गया, क्योंकि ये ऑक्सीजन से कॉन्टैक्ट हुआ इसका, तभी ये बर्न हुआ ना। किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो ये मैग्नीशियम रिबन एयर के कॉन्टैक्ट में ही तो जल रहा है, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है, और जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है तो ये एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर देता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यही मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें इस वॉच ग्लास में प्राप्त होता है, ऐश के फॉर्म में, राख के फॉर्म में। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में हमें इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान में रखनी है, ये ऑब्जर्वेशन हमें ध्यान में रखना है। जैसे ही हम
मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं तो ये डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है, ये आपको याद रखने वाली बात है। और दूसरी बात कि जो सब्सटेंस हमें प्राप्त होता है वो क्या, कौन सा सब्सटेंस होता है, तो वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए इससे क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, तो इससे आपको क्वेश्चन आएगा इसी एक्टिविटी में, दो क्वेश्चन यहाँ पे इसी दोनों पॉइंट से दो क्वेश्चन बन जाएंगे। मैग्नीशियम रिबन को एक्सपेरिमेंट करने से पहले सैंड पेपर से साफ क्यों किया जाता है, क्लीन क्यों किया जाता है, ये एक क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपको बन जाएगा इस पॉइंट से कि जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो क्यों ये एडवाइस की जाती है कि इसे अपनी आंखों से जितना दूर हो सके उतना दूर रखा जा सकता है। ये दो पॉइंट बन रहे हैं, ये दो क्वेश्चन बन रहे हैं जिसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। बर्निंग इन एयर, मैग्नीशियम रिबन को एयर में जलाने से पहले क्लीन करना क्यों जरूरी है? तो मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव होता है, जैसा कि मैंने बता दिया कि मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। ये एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन उससे रिएक्ट कर लेता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर अपने ऊपर बना लेता है, इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि जब भी हम इसे बर्न करें तो उससे पहले इसे सैंड पेपर से क्लीन कर लें। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है इससे कि व्हाइल अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड, जब भी मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है क्यों ये एडवाइस की जाती है कि इसे हमारी आंखों से जितना ज़्यादा दूर हो सके उतना ज़्यादा दूर रखा जाए, क्यों ये एडवाइस की जाती है? बिकॉज जब भी मैग्नीशियम रिबन जलता है तो ये डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस करता है जिसमें अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है जो हमारी आंखों को परमानेंटली डैमेज कर सकती है। इसलिए ये एडवाइस किया जाता है कि हम सेफ्टी ग्लासेस पहन करके ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें और जितना ज़्यादा दूर हो सके हम इसे अपनी आंखों से दूर रखें। दो क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन इससे आपको ये भी पूछ सकता है कि व्हाई डज द मैग्नीशियम रिबन बर्न विद द डेजलिंग वाइट फ्लेम, ये डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ क्यों जलता है? क्योंकि बर्निंग अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बर्निंग कभी भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होती है ना। और मैग्नीशियम फॉर्म्स अ वाइट कलर्ड कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन इट रिएक्ट्स विद एयर। तो जैसे ही ये मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के रिएक्ट में आता है, ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है, तो ये उसे रिएक्ट कर जाता है और एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्मेशन की वजह से यह डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है। तो ये तीन पॉसिबल क्वेश्चंस हैं इस एक्टिविटी से जो कि आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अब सेकंड एक्टिविटी देखिए। सेकंड एक्टिविटी है, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, एक लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है और उसमें पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन ऐड करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, उसके बाद हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। तो लेड नाइट्रेट ये भी कलरलेस होता है और पोटेशियम आयोडाइड है वो भी कलरलेस होता है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोगों को केमिकल फार्मूला लिखने तो आना ही चाहिए, क्योंकि इसमें केमिकल फार्मूला लिखे बिना कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें बैलेंसिंग करनी होगी और जब तक हम केमिकल फार्मूला सही से नहीं लिखेंगे, केमिकल बैलेंसिंग भी हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि एक वीडियो है केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है किसी भी कंपाउंड का, आप उसे देख लीजिए, आपको केमिकल फार्मूला लिखने आ जाएगा, तभी आप इस चैप्टर को स्टार्ट कीजिएगा, ये आपके लिए अच्छा होगा। ओके, सो यहाँ पे एक लेड नाइट्रेट लेना है। लेड नाइट्रेट का फार्मूला PbNO3 होल ट्वेस, ये भी कलरलेस होता है और पोटेशियम आयोडाइड ये भी कलरलेस होता है। दोनों का सॉल्यूशन लेना है और इस दोनों को ऐड कर देना है। तो जैसे ही हम इस सॉल्यूशन को ऐड करते हैं, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, येलो कलर में चेंज हो जाता है। जैसे ही लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में डाला जाता है, उसका कलर येलो हो जाता है। ये तो अभी कलरलेस था और ये जब दोनों को हम मिलाते हैं तो उसका कलर येलो हो जाता है। और कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि ये येलो कलर जो है वो नीचे आकर के बैठ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, दो चीज़ें हमने ऑब्जर्व की, एक कि येलो कलर का एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है और दूसरी चीज़ कि ये जो येलो सब्सटेंस है वो नीचे आकर के बैठ जा रहा है, सेटल डाउन हो जा रहा है इस टेस्ट ट्यूब में, ये सेटल डाउन हो जा रहा है यानी कि नीचे आकर के बैठ जा रहा है। तो दैट मीन्स कि इन दोनों के बीच कोई ना कोई रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से ये चेंजेस हो रहे हैं, है ना। अब ये जो येलो कलर है वो कहाँ से आ गया, तो एक्चुअली में जब हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स करते हैं तो एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, दैट इज पोटेशियम लेड आयोडाइड।
प्लस उसके साथ साथ एक सॉल्यूशन भी बनता है पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये जो सॉल्यूशन है ये है पोटेशियम नाइट्रेट, और ये जो प्रेसिपिटेट है, ये जो सेटल डाउन हो गया है, येलो कलर के जो सब्सटेंस हैं वो सेटल डाउन हो गए हैं, वो है लेड आयोडाइड। तो जो सब्सटेंस नीचे जम जाता है, बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होता है? वैसा सब्सटेंस जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है और सॉल्यूशन में नीचे आकर के बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, उस सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, अ प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विच इज नॉट डिसॉल्व इन वाटर एंड सेटल डाउन इन द सॉल्यूशन। केमिकल रिएक्शन का वो प्रोडक्ट जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है और सॉल्यूशन में नीचे आकर के बैठ जाता है, उस प्रोडक्ट को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो यहाँ पे एक दो चीज़ें ऑब्जर्व हुई, एक कि येलो कलर, कलर चेंज, कलर में चेंजिंग आई है ना इस एक्टिविटी से। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि एक तो कि कलर में चेंजिंग हुई और दूसरा प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना। और ये प्रेसिपिटेट एक्चुअली में क्या है? लेड आयोडाइड है। ओके, तो इस एक्टिविटी में हमें यही ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखना है कि जब भी हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है जो कि लेड आयोडाइड होता है। दिस प्रेसिपिटेट इज लेड आयोडाइड। एंड व्हाट इज प्रेसिपिटेट? तो अ प्रोडक्ट विच इज नॉट डिजॉल्व इन वाटर एंड सेटल डाउन इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ओके, अब आइए थर्ड एक्टिविटी देखते हैं। इसमें क्या करना है? जिंक ग्रेन्यूल्स लेना है और उसे एक कोनिकल फ्लास्क में, कोनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब, ये है टेस्ट ट्यूब, कोनिकल फ्लास्क कुछ इस तरह का होता है, इसे कहते हैं हम कोनिकल फ्लास्क, ठीक है, और ये जो है टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? जिंक ग्रेन्यूल्स लेना है और उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है, देन ऑब्जर्व करना है कि क्या रिएक्शन होता है। तो जैसे ही हम जिंक ग्रेन्यूल्स में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं या सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है। हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो कोनिकल फ्लास्क है वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है और इसमें से बबल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो फर्स्ट चीज़ कि गैस का बबल्स बनना स्टार्ट हो जाता है और दूसरी चीज़ ये जो कोनिकल फ्लास्क है वो गर्म हो जाता है। दो चीज़ें हमने ऑब्जर्व की इस एक्टिविटी से। तो ऐसा क्यों होता है? अब देखिए, अब ये जो बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये बबल्स एक्चुअली में कौन सी गैस रिलीज हो रही है ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक स्ट्रॉ लगा देते हैं, एक डिलीवरी ट्यूब लगा देते हैं और एक सोप का सॉल्यूशन ले लेते हैं, साबुन का सॉल्यूशन हमने ले लिया एक बीकर में और उसमें इस एयर को ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे ही हम इसमें एयर को ट्रांसफ़र करते हैं, इसमें जो बबल्स बन रहे हैं ना, एयर बबल्स, उस बबल्स को जब हम इसमें ट्रांसफ़र करते हैं तो हम देखते हैं कि ये बबल्स हवा में इस तरह से उड़ने लगते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पे एक कैंडल जलाते हैं तो इसमें फटाक से आग पकड़ लेती है, और ये आग जैसे ही पकड़ती है तो एक साउंड भी निकलती है, वो साउंड होती है पॉप साउंड। पॉप साउंड के साथ यहाँ पे जो बबल्स हैं वो जलना शुरू हो जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये जो बबल्स निकली वो हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि जब भी एक बात कि हाइड्रोजन गैस ये ज्वलनशील होती है यानी फ्लेमेबल होती है। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो फ्लेमेबल होती है। फ्लेमेबल होने का मतलब क्या? कि जिसमें आग पकड़ सकता है उसको फ्लेमेबल कहते हैं। दूसरी चीज़, जब भी हाइड्रोजन गैस जलती है तो पॉप साउंड निकलता है। तो इन दोनों चीज़ों से हमें पता चला कि इस एक्टिविटी से, इस एक्सपेरिमेंट से जो गैस बबल्स का फॉर्मेशन हुआ वो क्या है? हाइड्रोजन गैस। यानी कि इस एक्टिविटी से जिंक ग्रेन्यूल्स को जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है और ये टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाता है, यानी टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है ना। दैट मीन्स कि एनर्जी भी रिलीज हो रही है। टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब क्या? हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। और अगर हम इस जिंक ग्रेन्यूल्स को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो भी सेम एक्टिविटी होती है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसके साथ जब हमने रिएक्ट कराया तो जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हुई प्लस हीट भी रिलीज हुई। तो ये एक्टिविटी है, इससे आपको ये दो इक्वेशन प्राप्त हुए। ये इक्वेशन को आपको ध्यान में रखना है ना। जब भी कोई एक्टिविटी से सवाल आता है तो उसी तरह का सवाल आता है जैसा मैंने फर्स्ट एक्टिविटी में बताया है ना। अब इस एक्टिविटी से आपको क्या सवाल आ सकता है कि आपको क्वेश्चन दे देगा कि
जिंक ग्रेन्यूल्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराने पर क्या होता है, तो आपको बताना है। ये दो ऑब्जर्वेशंस बताने हैं, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको ये दोनों रिएक्शन ध्यान में रखने हैं कि जब भी हम जिंक ग्रेन्यूल्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, ओके। और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगी और हीट भी रिलीज होगी। जब हम जिंक को हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी प्लस एनर्जी भी रिलीज होगी, ठीक है। अब देखिए इन तीनों एक्टिविटीज़ में हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी कोई सब्सटेंस के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है तो या तो कलर चेंज होता है ना, कलर में चेंजिंग होती है। इस एक्टिविटी में हमने देखा कि टेम्परेचर चेंज हो जा रहा है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस भी इवॉल्व होती है, या फिर स्टेट चेंज हो जाता है मैटर का, है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि जब भी कोई एक्टिविटी परफॉर्म होती है, जब भी कोई सब्सटेंस के बीच में रिएक्शन होता है तो कुछ ना कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। इन्हीं चेंजेस को कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, तो इन्हीं चेंजेस को ऑब्जर्व करके हम पता कर सकते हैं कि इस एक्टिविटी में केमिकल रिएक्शन हुआ है। सो दिस आर द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हाउ टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट, हम ये कैसे पता करेंगे इन चेंजेस को ऑब्जर्व करके, है ना। ये पांच तरीके होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के पता करने के। अगर दो सब्सटेंस के बीच में कोई रिएक्शन हुआ और उसका कलर चेंज हुआ तो दैट मीन्स कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, अभी आपने देखा था लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो उसका कलर क्या हो गया था, येलो कलर हो गया था, कलर, है ना, कलर में चेंजिंग आ गई, तो दैट मीन्स कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। सेकंड एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब हम कोई आयरन नेल डाल देते हैं तो इस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन पहले होता है क्या, ब्लू कलर का, और जैसे ही हम इसमें आयरन नेल डाल देते हैं इसका कलर चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है, यहाँ पे भी कलर चेंज हो रहा है। दैट मीन्स कि ये कॉपर सल्फेट जो है इस आयरन नेल के साथ ये रिएक्ट कर लेता है और नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर लेता है जिसकी वजह से इस कलर में चेंजिंग आई। सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का, चेंज इन स्टेट। जैसे कि हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, वाटर, और ये वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। हाइड्रोजन गैस थी, ऑक्सीजन भी गैस है, जब दो गैस आपस में मिले तो एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया, लिक्विड का, इसका स्टेट चेंज हो गया ना। तो इस सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का, चेंज इन स्टेट। थर्ड है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, जैसा कि अभी आपने देखा जिंक सल्फेट, जिंक ग्रेन्यूल्स को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं तो गैस का इवोल्यूशन होता है, गैस रिलीज होती है, है ना। तो भी हम कहेंगे जब भी किसी एक्टिविटी में गैस रिलीज होगी तो हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुआ है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसी तरह से उसी एक्टिविटी में हमने देखा कि टेम्परेचर भी उसका चेंज हो गया, कोनिकल फ्लास्क जो है वो गर्म हो जाता है, तो जब टेम्परेचर में चेंज आएगा तो भी हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। फिफ्थ है चेंज इन पीएच। पीएच क्या होता है ये आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़िएगा, फिलहाल मैं बता दूँ कि पीएच एक स्केल होता है जो मैटर की नेचर को बताता है कि वो कितना एसिडिक है, कितना न्यूट्रल है और कितना बेसिक है, है ना। तो अगर कभी पीएच वैल्यू में चेंजिंग आ रही है तो भी हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो ये पांच कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की। ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि हाउ टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट, तो हम ये फाइव फेज लिखेंगे और उसका एक एक एग्जांपल दे देंगे। और अगर पूछेगा कि कैरेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन कीजिए, केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, तो भी आपका आंसर यही होगा विद एग्जांपल, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने क्या क्या लर्न किया, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट की, किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, यानी कि शेप, साइज और
स्टेट चेंज होता है तो हम कहते हैं फिजिकल चेंज हुआ है। जब किसी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है तब हम कहते हैं केमिकल चेंज हुआ है ना। उसके बाद हमने देखा केमिकल रिएक्शन, तो जिस प्रोसेस में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कॉन्टैक्ट में आकर के नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं उस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। फिर हमने देखा केमिकल इक्वेशन, तो जब केमिकल इक्वेशन को हम सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। फिर हमने देखा तीन एक्टिविटीज़ हमने देखी। फर्स्ट एक्टिविटीज़ क्या देखी हमने कि मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और इसके साथ साथ डैजलिंग फ्लेम के साथ ये बर्न होता है, ये बात ध्यान में रखनी है। सेकंड एक्टिविटी से आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम लेड नाइट्रेट को बर्न करते हैं, लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब हम मिक्स करते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है, येलो कलर का हमें प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। पीपीटी लिखते हैं हम प्रेसिपिटेट को, तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है और ये पीपीटी क्या होता है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, लेड आयोडाइड। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। थर्ड एक्टिविटी में हमने देखा कि जब भी हम जिंक ग्रेन्यूल्स को किसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं तो क्या होता है, इससे हमें हाइड्रोजन गैस निकलती है और दूसरा हीट भी रिलीज होती है। तो ये दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद इन सारी एक्टिविटीज़ से हमने ये डिटरमाइन किया कि केमिकल रिएक्शन को पता करने के पांच तरीके होते हैं, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन पीएच। ये पांच तरीके से हम पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। फर्स्ट एक्टिविटीज़ में मैंने तीन क्वेश्चन बता दिए है ना, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है। सेकंड एक्टिविटी से आपको पूछ सकता है कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करने से जो येलो कलर का जो आपको प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है वो कौन सा सब्सटेंस होता है, ये पूछ सकता है। थर्ड एक्टिविटी से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं तो उसके साथ रिएक्ट करने के बाद वो क्या होता है ना, या आपको उस एक्सपेरिमेंट की इमेज दे देगा आपको और उससे पूछेगा कि इसमें जो बबल्स बन रहे हैं वो क्या है, कौन सी गैस रिलीज हो रही है, ये पूछ सकता है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको पूछेगा कि कोनिकल फ्लास्क जो गर्म हो जाता है वो क्यों गर्म हो जाता है, व्हाई द फ्लास्क गेट्स हॉट, फ्लास्क गर्म क्यों हो जाता है, तो आप क्या आंसर करोगे, दिस इज बिकॉज ऑफ हीट रिलीज, हीट रिलीज हो रही है इसलिए कोनिकल फ्लास्क गर्म हो जाता है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको नोट डाउन कर लेना है, इन रिएक्शंस की बार बार प्रैक्टिस करनी है, एक्टिविटीज से जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो मैंने बताया है, जो आपके माइंड में आ रहे हैं, उन सारे को अलॉन्ग विद ऑब्जर्वेशंस आपको याद रखने हैं, नोट डाउन कर लेने हैं, अपने नोट्स में शामिल कर लेना है और उनकी हमेशा प्रैक्टिस करते रहनी है, उसे मेमोराइज करते रहना है विद अंडरस्टैंडिंग। ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में क्या हम लोग देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, फिलहाल आपके लिए कुछ क्वेश्चन हैं, इसके आपको आंसर करने हैं। केमिकल कंपाउंड कुछ दिए हुए हैं, इसका आपको फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग करके आना है। जब भी नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगी तो उसमें आपको आंसर बताऊंगी, आपको उससे टैली कर लेना है। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।